स्टूडेंट, आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। सीबीएसई और स्टेट बोर्ड दोनों के भी सिलेबस में टॉपिक है टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। सीबीएसई का जो फर्स्ट यूनिट है उसमें ही है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और स्टेट बोर्ड का जो थर्ड चैप्टर है उसमें है सर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कॉन्सेप्ट एक ही है, थ्योरी एक ही है, ठीक है। और इस थ्योरी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्लिक करना, उस पर आपको ये पूरी थ्योरी मिल जाएंगी। ठीक है, ये मेरा ब्लॉग है, इस पर पूरी थ्योरी अवेलेबल है। ओके, तो देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, देखिए दो एग्जांपल आपके सामने रिएक्शन के दिए, फर्स्ट और सेकंड, इसमें आपको समझ जाएंगे। फर्स्ट रिएक्शन में देखिए दो रिएक्टेंट है, फर्स्ट है सी यानी कार्बन जो सॉलिड फॉर्म में है, दूसरा है ऑक्सीजन जो गैस फॉर्म में है, और उससे एक प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। लेफ्ट साइड में जो है वो रिएक्टेंट है कार्बन एंड ऑक्सीजन, राइट साइड में जो मिल रहा है हमें वो प्रोडक्ट मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में। अब देखिए रिएक्टेंट दो है और प्रोडक्ट जो मिल रहा है वो एक ही है। नीचे का आप एग्जांपल देखोगे सेम टू सेम उसी तरह से, रिएक्टेंट दो है, हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, और मिल रहा है एक प्रोडक्ट। यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर दो रिएक्टेंट है, ठीक है, और फर्स्ट जो एग्जांपल है उसमें भी दो रिएक्टेंट है, यहाँ पर भी दो रिएक्टेंट है, यहाँ पर भी दो रिएक्टेंट है, और दोनों भी रिएक्शन में प्रोडक्ट एक ही सिंगल मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिला, यहाँ पर H2 यानी वाटर मिला। यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ सिंगल ही रहेगा, सिंगल ही मिलेगा, उसे ही कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आखिर में स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। तो देखिए अ रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म, देखिए यहाँ पर भी सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, यहाँ पर भी सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम टू आर मोर रिएक्टेंट, तो दो रिएक्टेंट हो सकते हैं या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकती है, यहाँ पर दो, इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो एक पॉइंट लिखिए, ये दो एग्जाम्पल लिखिए, ठीक है, और नीचे एक पॉइंट दिया है जो सेम टू सेम वही है, वो भी आप लिख सकते हो, एक्स्ट्रा पॉइंट आपका बढ़ जाएगा। देखिए इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस, टू और मोर सब्सटेंसेस यानी ये हमारे रिएक्टेंट, यहाँ पर दो रिएक्टेंट है, यहाँ पर भी दो रिएक्टेंट है। तो टू और मोर सब्सटेंसेज एज एलिमेंट और कंपाउंड, ये एलिमेंट भी हो सकते हैं, ये कंपाउंड भी हो सकते हैं, दो रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म, वो दोनों कंबाइन हो रहे हैं, एक हो रहे हैं, टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, क्या बन रहा है, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, उसे ही द रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसे ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। आखिर में ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। इतना ही सफिशियंट है आपको एग्जाम में लिखने के लिए, थ्योरी में ज़्यादा मैंने दिया है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी इसका उल्टा, ठीक है। अब देखिए नीचे का रिएक्शन देख लीजिए आप, क्या दिख रहा है, इसमें रिएक्टेंट एक है, रिएक्टेंट एक ही है, FeSO4, रिएक्टेंट एक है, लेकिन प्रोडक्ट कितने मिल रहे हैं, वन टू और थ्री, तीन प्रोडक्ट मिल रहे हैं, यानी उसका उल्टा रिएक्शन है, इसलिए इसका नाम डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। यानी इसमें रिएक्टेंट सिंगल है, उसके थ्रू मिलने वाले प्रोडक्ट एक से दो से ज़्यादा हो सकते हैं, तो उसे ही कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आया ख्याल में, स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑब्वियसली उसका उल्टा है तो अपोजिट है। इन डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, कंपाउंड ब्रेक डाउन, कंपाउंड ब्रेक डाउन, ये जो कंपाउंड है FeSO4 वो ब्रेक डाउन यानी वो टूट रहा है, टू और मोर सिंपल सब्सटेंस, यहाँ पर तीन सब्सटेंस में वो क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीन सब्सटेंस में वो ब्रेक डाउन हुआ बाय अप्लाइंग ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्वियसली इसे कुछ ना कुछ किया होगा, इसे एक तो हीट दी होंगी या फिर इसे इलेक्ट्रिसिटी दी होंगी, तब वो ब्रेक हुआ और वहाँ से तीन सब्सटेंस तैयार हुए, दो हो सकते या फिर दो से ज़्यादा हो सकते हैं। तो आगे क्या कहा है, वेन अ सब्सटेंस डिकम्पोज टू ड्यू टू द हीट, अगर हीट देने के बाद में डिकम्पोज हो रहा है यानी ब्रेक हो रहा है तो उसे कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, अगर इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद में ये डिकम्पोज हो रहा है तो उसे कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। आया ख्याल में, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप लिख सकते हो, ठीक है। एक्चुअली स्टेटमेंट कौन सा है ये टॉपिक का, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, ये इन दिस रिएक्शन सिंगल रिएक्टेंट, ये एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव द सिंपलर प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ पर हमें ब्रेक डाउन होने के बाद में प्रोडक्ट मिल रहे हैं ज़्यादा, ठीक है, तो उसे दिस इज कॉल्ड अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इतना ही सफिशियंट एग्जाम में लिखने के लिए, ठीक है, आगे पॉइंट ज़्यादा दिए हैं।
ये क्वेश्चन दिया है जो आपके टेक्स्ट बुक में था, सीबीएसई के टेक्स्ट बुक में था, इसलिए मैंने बीच में डाल दिया है ताकि आपको थेराटिकल मटेरियल मिल जाए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, उसका भी आंसर है उससे रिलेटेड है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी क्या? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी क्या? देखिए, डिस्प्लेसमेंट अ केमिकल रिएक्शन इन विच, केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट जो ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस, वो क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा किसी को तो भी हटाएगा वो, डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, यानी केमिकल रिएक्शन में जो मोस्ट रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे यानी हटा देगा उसको वहाँ से, किसे हटाएगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम अ कंपाउंड। ठीक है, इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी नीचे का एग्जाम्पल देख लीजिए। इस एग्जाम्पल में देखिए, यफी ने क्या किया, यहाँ पे सीओ को हटा दिया, यफी मोर रिएक्टिव एलिमेंट था, उसने सीओ को हटा दिया और अपनी जगह ले ली, तो क्या बन गया, यफी SO4, तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट यफी था, उसने लेस रिएक्टिव एलिमेंट सीओ को वहाँ से हटा दिया और यफी SO4 यानी आयरन सल्फेट बन गया, तो देखिए सीओ जाकर इधर अलग हो गया, इतने कहते हैं डिस्प्लेस हुआ ना वो, यहाँ से सीओ डिस्प्लेस हो गया और इधर अलग जाकर गिर गया, तो उसे कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन आयरन, आयरन यानी यफी डिस्प्लेस और रिमूव अनादर एलिमेंट कॉपर, उसने यहाँ से कॉपर को डिस्प्लेस या फिर रिमूव कर दिया, उसे ही कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई ख्याल में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी क्या होता है, देखिए रिएक्शन इन विच आयन एक्सचेंज, इसमें आयन क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं बिटवीन द टू रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट में, एक ये रिएक्टेंट है और एक ए रिएक्टेंट है, इन दो रिएक्टेंट के बीच आयन एक्सचेंज होगी और नया कुछ हमें मिलेगा, अब कौन से आयन एक्सचेंज हो रहे हैं। ठीक है, देखिए Na2SO4, Na2SO4 प्लस BaCl2 यानी सोडियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट, इसमें क्या हो रहा है, ठीक है नीचे के थ्योरी में आ जाएगा ख्याल में आपको। देखिए द व्हाइट प्रेसिपिटेट BaSO4, BaSO4 इज अ फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ द SO4 एंड Ba2SO4 एंड Ba। अब क्या हुआ, देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट यानी हो क्या गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, Ba इधर आ गया, रिएक्टेंट में ही एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है यानी एक तरह का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ का Ba क्या हो गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है, और यहाँ का Na जो है वो इधर चला गया, क्या हो गया, रिएक्शन के बीच में ही तो एक्सचेंज हो गया ना, उसने क्या कहा था, देखिए ये स्टेटमेंट में, रिएक्शन इन विच आयन एक्सचेंज, आयन एक्सचेंज बिटवीन द टू रिएक्टेंट, आयन एक्सचेंज हुआ ना, Ba इधर चला गया यानी इधर चला गया, यानी रिएक्टेंट के बीच में ही रिएक्शन होते वक्त रिएक्टेंट जो है वहाँ पर ही क्या हो गया है, आयन एक्सचेंज हो गए है और नया कंपाउंड हमें बन गया, न्यू कंपाउंड क्या बन गया, उसे कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नया कंपाउंड यहाँ पर भी मिल गया, नया कंपाउंड यहाँ पर भी मिल गया आया ख्याल में, तो ये हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आया ख्याल में, टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन तो बहुत ही कम समय में समझ में आ गया होगा, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड CBSE दोनों को भी ये टॉपिक है, यही थ्योरी लिखी है, कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि और वीडियो आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।